गुड मॉर्निंग फ्रेंड। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने जीव विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स जीवाणु के बारे में पढ़ रहे थे, जिससे कि उनकी संरचना, उनका बनावट, उनमें प्रजनन किस प्रकार होता है और उनका पोषण। आज हम पढ़ेंगे जीवाणुओं के आर्थिक महत्व क्या क्या हैं, यानी जीवाणुओं के क्या क्या आर्थिक महत्व हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आर्थिक महत्व, जैसा कि जीवाणु आप सभी जानते हैं, कुछ जीवाणु लाभदायक भी होते हैं कुछ, और कुछ हानिकारक भी होते हैं। आज हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, लाभदायक और हानिकारक के बारे में। तो लाभदायक जीवाणु जैसे कि कृषि क्षेत्र में ये जीवाणु क्या करते हैं, ये कृषि क्षेत्र में जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, इसका क्या मतलब होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का? फ्रेंड, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जीवाणु नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन को सीधी मात्रा में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ये पौधे नाइट्रोजन को उनके यौगिक के रूप में ग्रहण करते हैं। जो जीवाणुओं के द्वारा स्थिरीकरण होता है, जीवाणु दो प्रकार के इसमें होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। ये पहला होता है सहजीवी जीवाणु, इसका मतलब ये पौधे के साथ रहकर मतलब पौधे को फायदा पहुंचाते हैं, और बदले में ये जीवाणु मतलब पौधे से कार्बनिक पदार्थ ग्रहण करते हैं। और दूसरा होता है स्वतंत्र जीवी। पहला हो गया सहजीवी जीवाणु और दूसरा हो गया स्वतंत्र जीवी जीवाणु। ये जीवाणु जैसे एजोटोवेक्टर और क्लास्ट्रीडियम, ये पौधों में नहीं पाया जाता है बल्कि मिट्टी में पाया जाता है। ये दोनों जीवाणु जो है ये पौधे में नहीं पाके ये मिट्टी में पाया जाता है। मिट्टी में रह कर ही ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं और पौधे की उर्वरता को बढ़ाता है। स्थिरीकरण में एक्चुअली यही होता है कि किसी भी फसल की वृद्धि को बढ़ा देता है। नेक्स्ट चलते हैं फायदा में, डेयरी उद्योग। ये डेयरी उद्योग में ये लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि दही और पनीर बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट है तंबाकू और चाय में माइक्रोकोकस अकंडिशंस ये चाय में पाया जाता है। ये चाय और तंबाकू में सुगंध का काम करता है, एक जो विशेष प्रकार का सुगंध चाय में होता है और कॉफ़ी में होता है, वो सुगंध का काम करता है ये जीवाणु। जैसे माइक्रोकोकस कंडीशन है तो चाय में सुगंध का काम करेगा, और बेसिलस मेगाथेरियम है तो ये तंबाकू में सुगंध का काम करेगा। नेक्स्ट लाभदायक में चलते हैं, जैसे सिरका उद्योग में एस्टोवेक्टर एसटी होता है, जो कि सोरे का किण्वन करके ये सिरका बनाता है, एस्टोवेक्टर एसीटी। नेक्स्ट है कार्बनिक पदार्थ में ये एसिटोवेक्टर एसीटी ही जो है एथेनॉल को एसिटिक एसिड में परिवर्तन कर देता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये एथेनॉल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ये एसिटोवेक्टर एसिटी। नेक्स्ट है चमड़ा उद्योग में ये
जीवाणु जिसे सिडोमोनास स्टूटजर, ये क्या करते हैं फ्रेंड, जैसे कि कोई भी जानवर या जीव मर जाता है तो उसके उसके चमड़ उसके शरीर से चम में जो चमड़ा होता है उसके बाल को ये हटाते हैं, ये बालों को हटाने का काम करते हैं, मृत जीव में बालों को हटाने का काम करता है। ये हो गया सुडोमोनास स्टूटजर, ये मृत जीव के चमड़े से बालों को हटाने का कार्य करता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है रेशों की रेटिंग के लिए, ये रेशा क्या होता है, जैसे सन और पटसन, ये सब जूट, ये सब रेशे के अंतर्गत आता है। इसकी रेटिंग में क्लोस्ट्रिडियम और क्लोस्ट्रिडियम बुटेरिकम, ये जीवाणु मदद करता है इसको काष्ठीय से इसे मतलब काष्ठ जो भी पौधा होता है काष्ठीय पौधे से काष्ठीय पौधे में ये पाया नहीं जाता है, बल्कि ये पाया जाता है जल में पाया जाता है फ्रेंड। इसीलिए जो भी जूट पटसन ये सब है इसको काटने के बाद पानी में इसको कुछ दिन के लिए रखा जाता है, जहाँ पे क्लोस्ट्रिडियम बुटेरिकम जो है उसके रेशे को हटा देता है, काष्ठीय रेशे को, पौधे के काष्ठीय रेशे को, पौधे के काष्ठीय पौधे के काष्ठीय रेशा को ये हटाने का काम करता है क्लोस्ट्रिडियम बुटेरिकम। आगे चलते हैं, हानिकारक जीवाणु कौन कौन से होते हैं, जिसे हानिकारक जिसे भोजन विषाक्त, ये भोजन को जहरीला बना देते हैं, ये है जो कि क्लोस्ट्रिडियम बुटुलिनियम, ये जीवाणु भोजन को विषाक्त बनाने का काम करता है। आगे है मृदा की उर्वरता में कमी, ये फ्रेंड्स हमने लाभदायक में पढ़ा था नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कुछ जीवाणु यूज होता है, और ये हानिकारक में विनाइट्रीकरण कर देता है, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का अपोजिट होता है विनाइट्रीकरण। इसमें नाइट्रोजन के यौगिक को नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है, ये बेसिलस जेंट्रिफिकेशन जो भी जीवाणु होता है ये विनाइट्रीकरण कर देता है, इसीलिए मृदा की उर्वरता में कमी आ जाती है। आगे है जल प्रदूषण, जल प्रदूषण में वाइब्रियो कोलरी, ये आप लोग सभी जानते हैं जो कि हैजा रोग होता है वाइब्रियो कोलरी जीवाणु से। चलते हैं कुछ मानव में जो जीवाणुओं के कारण रोग होता है, कौन कौन से रोग होते हैं और किस जीवाणुओं के कारण होते हैं इसको देख लेते हैं। इस तरफ है रोग और यहाँ है जीवाणु, ये रोग है गोनेरिया, गोनेरिया किस जीवाणु के कारण होता है तो निसेरिया गोनरी के कारण होता है, और सिफिलिस होता है ट्रिपोनेमा पेलिडम से, जैसे टाइफाइड है टाइफाइड तो सालमोनेला टाइफी ये जीवाणु कारक होते हैं टाइफाइड के लिए, जैसे प्लेग है तो ये पास्चुरेला पेस्टिस इसके कारक है। डिप्थीरिया में रोग में कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु कारक है। टीबी यानी तपेदिक, इसके लिए जीवाणु कारक है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और काली खांसी में है बोर्डरेला पर्टोसिस जो है ये काली खांसी के
कारक होते हैं जीवाणु, टिटनेस, ये टिटनेस क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के कारण होता है। कुष्ठ रोग, ये कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण होता है। और हैजा तो अभी हम लोग ने पढ़ाई, ये वाइब्रियो कॉलरी के कारण होता है हैजा रोग, जो कि पानी से होता है। इस मानव रोग के कारक जीवाणु जो है, इसको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, जो कि है GST पंडित का टीका है। ये जी मतलब गोनेरिया, एस मतलब सिफिलिस, टी मतलब टाइफाइड, पी मतलब प्लेग, डी मतलब डिप्थेरिया, तो मतलब तपेदिक, और का मतलब काली खांसी, टी मतलब टिटनेस, और का मतलब कुष्ठ रोग, और हा मतलब हाइजा। ये ट्रिक याद रखेंगे फ्रेंड, जिससे हमें बहुत फायदा होगी। तब जीवाणु के कारण रोग होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ जानवरों में पढ़ेंगे जीवाणु कारक रोग भी जो हैं, उसके बाद ये जीवाणु टॉपिक ये ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।